हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो आप लोग पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंजवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल वेयर इन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अभी जो रिसेंटली CSIR SOASO के एग्जाम्स हुए उसमें डिफरेंट सेक्शंस के रेगुलर इंटरवल में सेशंस अपलोड होते रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने they just got the benefit out of the session and they just acknowledged it as well. So thank you everyone for that. और जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, डेफिनेटली आप लोग कर लीजिए। आगे जो DSSSB का एग्जाम आने वाला है, मार्च में जो जुडिशियल का एग्जाम है उसके लिए the sessions have started. So definitely start joining the session. From tomorrow, topic wise mathematics sessions are starting. जैसे एक एक टॉपिक के हम लोग पहले थोड़े सा एक्सप्लेनेशन होगा, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक। एंड एट जब एग्जाम्स एकदम सर पे होंगे तो हम एक लास्ट मिनट रिवीजन का भी जो सेशन है वो बनाते रहेंगे। सो जस्ट कीप लाइकिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। तो अभी जो है कि बहुत सारे ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे थे CSIR SOASO के लिए, बहुत सारे ऑनलाइन बच्चे भी जुड़े हुए थे। तो जो इतने सारे बच्चों का मैंने डिस्कस किया है, एनालिसिस किया, तो जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है जो अभी तक आए हैं, अभी 4 दिन और है, एग्जाम्स आर स्टिल गोइंग ऑन, जो एनालिसिस अभी तक हुई है तो ये तो श्योर है दैट द नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जाम हुए हैं। एंड नाउ व्हेन वी आर चेकिंग आउट द एनालिसिस, सो जब जितना भी अभी तक पेपर हुए हैं उससे पता चल रहा है कि एग्जाम वाज फ्रॉम मॉडरेट लेवल। वी कैन नॉट से दैट इट वाज वेरी इजी। इजी तब एग्जाम टाइम में इजी लगता है कि हमने ये करेक्ट किया है, बट जब आंसर की आ जाती है उसके बाद बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो जाती है बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एग्जाम एंड बीइंग इन द एग्जाम। तो उससे स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स होती रहती हैं एंड बिकॉज ऑफ दी स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स वी नो दैट द नेगेटिव मार्किंग इज ऑफ 0.33 और एग्जाम्स में 0.25 है। हियर द कट ऑफ द नेगेटिव मार्किंग इज 0.33। तो जो हमारा कट ऑफ होगा उसमें ये सब चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। एंड द मोर यू आर कॉन्फिडेंट इन द एग्जाम, द मोर कॉन्फिडेंटली यू आर डूइंग द एग्जाम एंड नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, नॉट डूइंग एनी गेस वर्क। सो वहां पे लगता है कि हाँ यही लग रहा है, 80% यही लग रहा है। एंड लेटर व्हेन द आंसर की कम्स देन द पिक्चर चेंजेस। तो अभी जितना एनालिसिस हो चुका है बिकॉज ऑफ द एग्जाम्स विच हैज बीन ऑलरेडी गिवन बाई मेनी ऑफ द चिल्ड्रेन एंड उनसे जो बात करके पता चला है, तो फिलहाल जैसे कि आप जो करंट अफेयर्स था, जो रेगुलर टच में था, इट वॉज इजी थिंग फॉर देम। जैसे कि क्वेश्चंस आए थे इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल, पंचशील एग्रीमेंट में क्वेश्चन थे, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम, जैसे कि वज्र प्रहार एक्सरसाइज, ऑल दीज वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप एंड इन साइंस बहुत क्वेश्चन पे बेसिक लाइक व्हाट आर द मोनो एटॉमिक इनर्ट गैसेस, ये सब क्वेश्चन थे ना जिन्हों, जैसे मैंने बात की है ये सब क्वेश्चन थे। तो जैसे कौन से मोनो एटॉमिक इनर्ट गैसेस हैं, तो ऑप्शंस में था हीलियम एंड देन रेडॉन, जहाँ पे रेडॉन, ज़ीनॉन एंड क्रिप्टॉन, ये सब है ऑन क्रिप्टन। तो ये सब क्या है मोनो एटॉमिक ये आर्गन, तो कौन से हैं उन्होंने ऑप्शंस में दिए हुए थे। उन्होंने पूछा था व्हाट इज द रेंज ऑफ द लैबोरेटरी, जो थर्मामीटर होता है लैब थर्मामीटर की रेंज क्या होती है, थर्मामीटर की रेंज क्या होती है। तो ये सब क्वेश्चन थे जैसे कि -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसी को केल्विन में पूछा जाए तो इसमें 273 ऐड कर दो, इसमें +273 ऐड कर दो, इफ दे आर आस्किंग इन केल्विन, सो इट इज 273 -10 कितना आ जाएगा 263 केल्विन टू 383 केल्विन, इज इट नॉट। तो ये ऐसे तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस से, द क्वेश्चंस वर बेसिक। अगर तैयारी की होगी और थोड़ा सा मतलब फोकस करके किया होगा तो डेफिनेटली यू मस्ट एक्सपेक्ट योर नेम इन द फर्स्ट राउंड में, तो नाम आ सकता है। मगर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि 444 पोस्ट हैं और अराउंड 5-6 लाख पीपल आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, है ना, और इतनी सारी चीजें हैं,
अब जैसे कि हम लोगों का साइंस एक कंप्यूटर सेक्शन में एक क्वेश्चन था, वैसे तो हमने पूरा जो मैंने लास्ट मोमेंट रिवीजन करवाया था फॉर द कंप्यूटर सेक्शन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट ओनली वहीं से आया हुआ था। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन था कि मल्टीपल कॉपीज अगर हम एक डेटा की रखते हैं, एक ही डेटा की मल्टीपल कॉपीज रख रहे हैं, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? उस सिचुएशन को बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। यस, दिस वाज द क्वेश्चन विच वाज आर डेटा रिडंडेंसी। तो आगे की क्वेश्चन में भी अगर ये आएगा तो डेटा रिडंडेंसी मतलब क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। फाइन, तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। एंड जो ज्योग्राफी था उसमें भी क्वेश्चंस आए थे रिगार्डिंग द ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल, है ना? तो फिर वी कैन नॉट कंसिडर इट एज अ वेरी इजी क्वेश्चन पेपर, एंड इट वॉज ऑफ मॉडरेट लेवल। और ये भी बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हर एक बच्चा हर एक सेक्शन में बहुत अच्छा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड इज गुड इन इंग्लिश, इट्स नॉट नेसेसरी ही इज इक्विवेलेंटली गुड इन द डिसीजन मेकिंग, एथिक्स वाले पार्ट में, मैनेजमेंट वाला पार्ट। तो बहुत सारे पार्ट्स थे, इज इट नॉट? इट्स नॉट लाइक कि जो जनरल एग्जाम में होता है कि जीएस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग, यही आ रहे हैं। सो देर डिफरेंट डिफरेंट थिंग, आफ्टर 10 ईयर्स वी आर हैविंग द एग्जाम, राइट? तो जो बाद में जिनका एग्जाम हुआ तो उनको थोड़ा सा तो एडेड एडवांटेज रहा ही रहा है, बिकॉज दे वेर एबल टू नो अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है, जिनका स्टार्टिंग में 6th 7th को एग्जाम हुआ था तो डेफिनेटली दे वेंट विथ अ मतलब दे डिड नॉट हैव दैट मच आइडिया। जिनका लास्ट लास्ट में एग्जाम हुआ है तो उसका भी फर्क पड़ा है। एंड नाउ व्हाट हैपेंस दैट डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ है तो डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन इज अ फैक्टर। तो जितना भी एग्जाम हुआ है, जितना एनालिसिस है, ऑब्वियसली द पिक्चर चेंजेस आफ्टर आंसर की, बट जितना अभी तक मैंने बात की है उसके हिसाब से अगर देखा जाए कट ऑफ के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो देर आर द सेक्शनल ऑफिसर और एएसओ। ठीक है, अगर सेक्शन ऑफिसर में, अगर जनरल में, अनरिजर्व्ड में, अगर आपके 260 टू 60 प्लस इफ इट इज देयर, सो यू कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि हम लोग ने सब लोग बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इतना कम नहीं आएगा, 300 प्लस जाएगा। सो जस्ट वेट फॉर द आंसर की, बिकॉज जब हम देकर आते हैं हमको लगता है हमने ही सारे क्वेश्चन करेक्ट करके आए, बट वेन द थिंग्स चेंजेस, जब नेगेटिव मार्किंग की चीजें आ जाती है, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो ओबीसी का भी जनरली वही कंसिडर करो, 260 प्लस, बिकॉज डिफरेंस नहीं होता है ज्यादा। वेन वी टॉक अबाउट ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में आपका 255 प्लस अगर है देन यू कैन एक्सपेक्ट योर नेम इज एसओ, सेक्शनल ऑफिसर। और अगर एससी में है तो एससी में अगर 245 प्लस है सो यू कैन एक्सपेक्ट योर नेम, एक्सपेक्ट योर नेम। एंड अगर एसटी में इफ यू टेक इन टू कंसिडरेशन 240 प्लस, तो यू कैन एक्सपेक्ट योर नेम इन द सेक्शनल ऑफिसर। ओके, सो नाउ वेन वी टॉक अबाउट एएसओ, अब एएसओ, सो अब जैसे मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ कि जैसे ही आंसर की आएगा तो क्या होगा, आंसर जो है एएसओ में आपकी पिक्चर चेंज होने वाली है। मतलब पिक्चर इन द सेंस, जब आंसर किया आएगा तो पिक्चर थोड़ा चेंज हो सकता है, बिकॉज द चिल्ड्रन हुआ सेइंग कि इतने मैंने अटेम्प्ट कर लिया है, तो वो थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना ऊपर नीचे होने वाला है। सो व्हाट हैपेंस इन एएसओ? नाउ फॉर एग्जांपल, लेट मी, तो एएसओ का जब मैं बात कर रही हूं तो जनरल ओबीसी, जनरल और ओबीसी का है तो हम लोगों का अगर 245 टू 250 के बीच में है, यू कैन कंसिडर योर सेल्फ सेफ। ओके, जनरल ओबीसी में, एंड दैट टू इट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि इतने तो आ ही रहे हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद। ईडब्ल्यूएस में 242 245 है, अगर एससी में हमारा 235 टू 240 है, एंड अगर एसटी में आपका 232 235 भी है तो यू कैन कंसिडर योर सेल्फ सेफ। ओके, और आगे अब जो जिन लोगों का इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं, डोंट गेट वरीड, आगे बहुत सारे एग्जाम्स है। अगर तैयारी गुड लेवल में चलती रहे, व्हेन वी टॉक अबाउट गुड लेवल मींस वी आर अप टू डेट अबाउट द करेंट अफेयर्स, वी आर अप टू डेट, मतलब कुछ सेक्शंस ऐसे होने चाहिए कि एग्जाम कल भी हो जाए तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, ऑल द चिल्ड्रन, मैक्सिमम चिल्ड्रन आर प्रिपेयरिंग इन द लास्ट मोमेंट, लास्ट 2 डेज उन लोगों को लगता है कि आज ही सारा पढ़ लें। तो दैट शुड नॉट बी योर अप्रोच। तो अभी जो चैनल में है DSSSB का, मैथ्स, रीजनिंग और करेंट अफेयर्स, जीएस, सबकी तैयारी शुरू होने
हो ही गई है. सो डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू आर नॉट वेटिंग फॉर द लास्ट मोमेंट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. एंड आई होप दैट यू ऑल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स. सो लेट्स होप दैट यू ऑल ज्वाइन द चैनल एंड यू ऑल्सो कम अप विद फ्लाइंग कलर्स इन दिस एग्जाम. सो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स होप दैट वी मीट अगेन सून. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. गॉड ब्लेस. थैंक यू.